हमारे साथ इस समय है कांग्रेस पार्टी के सांसद जो अमृतसर से आते हैं, गुरजीत सिंह औजला जी। एक केंद्र मंत्री हैं राव साहब दानवे, उन्होंने कहा है कि चाइना और पाकिस्तान का हाथ है इस किसान आंदोलन के पीछे। बड़े दुख की बात है, अभी तक ये दानवे को यही नहीं पता चला जी किसान है। पहले तो ये कहते कांग्रेसी हैं, कभी अलगाववादी कहते, आप कहते चाइना और पाकिस्तान का हाथ है, तो आपने यहाँ क्या पकड़ रखा है? खिलौने बेचते हो आप? रिजाइन दो, बाहर जाओ सरकार से। आपको ये नहीं रुक रहा क्या हो रहा है? ये उनको भड़का रहे हैं कि कभी कहीं ना कहीं किसान ऐसा, देखो किसी उस आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना जिसके बुज़ुर्गों ने सबसे ज़्यादा शहीदियाँ दी हो देश को याद करने के लिए, जिसके बच्चे सबसे ज़्यादा फौज में हो, पाकिस्तान से साथ लड़ाई लड़ रहे हों, कश्मीर के साथ, चाइना के साथ, गलवान घाटी में भी शहीद कितने हुए। तो ये लोग उनको चाइना फंडिंग की बात करते हैं, पाकिस्तान फंडिंग की बात करते हैं, ये दानवे दलाली कर रहे हैं चार पूंजीपतियों की, उसके पैसे लेकर उनके टुकड़ों के ऊपर ये लोग पलते हैं, ऐसे बयान देते हैं ये। इनको शर्म आनी चाहिए। उनके हाथ देखे कभी दानवे ने? मैं तो आपको बेनती करूंगा सुप्रिया जी, उनके हाथों की और उनके पाँव की फ़ोटो खींच के ना इसको दानवे को भेजना, इसके दिमाग का कुछ शायद जो धुल जाएगा, लेकिन धुलेगा कैसे? ये लोग तो उनके फंडिंग पे पलते हैं, ये पूंजीपतियों के दलाल हैं, पूंजीपतियों के। अब क्योंकि ज़मीन किसकी खिसकनी है? देखो हमने सुप्रिया जी, ये इतनी दिन की बात चल रही है, मैं हमेशा ही आपके सामने बोला कि हमारी बेस्ट विशेज है कि ये हल हो, हम इनके साथ हैं, सरकार के साथ है, अभी सरकार हल करे, हम उस मीटिंग में नहीं है, लेकिन जथेबंदियाँ और सरकार जो करेगी हम वेलकम करते हैं। लेकिन कभी हमने ऐसा बयान नहीं दिया कि कोई उनको इंस्टिगेट करें, हमने यही बोला कि हल होना चाहिए। लेकिन एक तरफ सरकार बात कर रही है, दूसरी तरफ आप ऐसा बयान दे रहे हो, तो किसके? देखो जो सरकार हल कर रही है उसके हिसाब से जो पूंजीपतियों का कानून है वो कम हो रहा है ना, तो ये सीधा सीधा वो पूंजीपतियों के जो दफ्तर से ड्राफ्ट होकर बयान आया है वो इस मंत्री ने दिया है, इसका अपना दिमाग नहीं है इतना, ये पूंजीपतियों का दिमाग है इसके पीछे। वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि झगड़ा हो, झगड़ा होगा। रेजिग्नेशन मांग रहे हैं उनका? मैं रेजिग्नेशन तो मांग ही रहे हैं, इसके ऊपर कोई FIR दर्ज होनी चाहिए। जो इतने नागरिक जिनके पास, जिनका इतना बड़ा इतिहास है मुगलों से लेकर आज तक, लेकिन इसको पता ही नहीं है, इसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, अपमानित किया इसने किसान को। तो ये थे कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला, जो कि कह रहे हैं कि मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, उसके साथ साथ उनके ऊपर FIR भी जो है वो दर्ज कराई जानी चाहिए। कैंपस में गंगा सिंह के साथ प्रभारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।